Hello students, in the last video, we have completed causal and non-causal system and static and dynamic system. Now, in this video, we will start with the stable and unstable system, okay? So, what is stable system and what is unstable system, okay? So, here we will study stable and unstable system. So, stable system आपका क्या होता है? यहाँ पर हम कैसे identify करते हैं signal and system में कि आपका system कब stable होगा या कब system आपका unstable होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो method हम use करते हैं, that is called BIBO stability, that is bounded input, bounded output stability, okay? इसका meaning क्या होता है इस method का? कि इसमें ये मानकर चला जाता है कि जो आपका input है वो आपका क्या है बाउंडेड है ओके तो इनपुट इज बाउंडेड और अगर इस इनपुट बाउंडेड के लिए आउटपुट भी अगर आपका बाउंडेड आ जाता है तो आप बोलते हैं कि आपका सिस्टम क्या है स्टेबल है दैट मींस आप ये सोच के चलते हैं आप ये मान के चलते हैं कि जो आपका इनपुट है वो बाउंडेड है या आप कह सकते हैं कि वो गिवन है आपको इस मेथड में गिवन है कि इनपुट आपका बाउंडेड है तो क्या उस बाउंडेड इनपुट के लिए आपका आउटपुट भी बाउंडेड है अगर इस बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट बाउंडेड है तो सिस्टम स्टेबल है और अगर इस बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट बाउंडेड नहीं है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है ओके तो मैं आपको एक बार बाउंडेड सिग्नल का रिवीजन करा देता हूं मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं व्हाट इज बाउंडेड सिग्नल स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर जैसे सपोज करिए आपका यूटी है तो UT जो होता है आपका वो आपका T tends to infinity पर क्या होता है अगर मैं step unit step का example लूँ तो T tends to infinity पर UT कितना है आपका 1 है और T tends to minus infinity पर UT कितना है आपका negative side UT 0 है आपका completely तो T tends to minus infinity पर UT कितना है हमारा 0 है तो आप देख सकते हैं T tends to plus infinity पर amplitude 1 है और माइनस इनफिनिटी पर जीरो है तो मैंने आपको बाउंडेड सिग्नल की डेफिनेशन बताई थी यहां पर कि अगर आपका कोई सिग्नल t टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी ओके और t टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी और t टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनिटी बोथ अगर कोई सिग्नल आपका फाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है ठीक है ना प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी और बोथ पर तो सिग्नल होता है आपका बाउंडेड लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी एक पर फाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है तो दूसरे पर इनफिनिटी नहीं होना चाहिए दैट इज अगर प्लस इनफिनिटी पर फाइनाइट है जैसे कि यहां पर आप यूटी का एग्जांपल देखिए प्लस इनफिनिटी पर 1 है तो माइनस इनफिनिटी पर 0 है ठीक है ना कोई आपका इनफिनिटी नहीं है अगर एम्पलीट्यूड एक पर फाइनाइट हो और एक पे इनफिनिटी हो जाए तो वो बाउंडेड नहीं होगा या तो दोनों पर फाइनाइट हो या तो एक पर फाइनाइट हो और एक पर 0 हो वैसे तो आप 0 को भी फाइनाइट वैल्यू ही बोलेंगे लेकिन मैं यहां 0 को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूं कोई और कांस्टेंट वैल्यू ठीक है ना तो एक पर मान लीजिए कोई और कांस्टेंट वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू है और एक पर आपका 0 है या दोनों पर कोई कांस्टेंट या फाइनाइट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड सिग्नल हो जाएगा ओके नाउ यहां पर अब आप देखिए एक एग्जांपल जिससे आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है इस मेथड से वो आपको समझ में आएगा मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया है yt is equal to 2xt ओके अब आपको जो मेथड यूज करना है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट वाला उसमें क्या है कि बाउंडेड आपका इनपुट है ठीक है ना इनपुट आपका बाउंडेड ही है ठीक है ना उसके लिए आपको कोई दूसरा अप्रोच यूज नहीं करना है इनपुट ऑलवेज बाउंडेड है तो क्या उस बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट भी बाउंडेड होगा क्या आप देखिए इनपुट बाउंडेड है मतलब जो x प्लस माइनस इनफिनिटी है वो क्या है आपका फाइनाइट है हमें चेक क्या करना है कि क्या y प्लस माइनस इनफिनिटी भी फाइनाइट होगा क्या तो देखिए 2 इनटू फाइनाइट ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट होगा तो y प्लस माइनस इनफिनिटी भी क्या होगा आपका फाइनाइट वैल्यू दैट मींस आउटपुट भी क्या है आपका बाउंडेड है मतलब आपका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा स्टेबल सिस्टम क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट आप देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है yt is equal to 3x square t ठीक है फिर से वही मेथड है
आपको गिवन है कि x प्लस माइनस इन्फिनिटी फाइनाइट है, आपको चेक करना है y प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इन्फिनिटी। हमें पता है फाइनाइट का स्क्वायर, चूंकि x प्लस माइनस इन्फिनिटी फाइनाइट है तो फाइनाइट का स्क्वायर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, और फाइनाइट इंटू 3 भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। तो जो आपका y प्लस माइनस इन्फिनिटी है वो भी आपका फाइनाइट है, मतलब सिस्टम यहाँ पर क्या है आपका, फिर से स्टेबल है। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, सपोज करिए आपको y t गिवन है 2t xt। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर y प्लस माइनस इन्फिनिटी कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस इन्फिनिटी इंटू x प्लस माइनस इन्फिनिटी। नो डाउट x प्लस माइनस इन्फिनिटी तो फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर xt के साथ t मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो यहाँ पर ये जो y प्लस माइनस इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, और सिस्टम आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, अनस्टेबल। ओके, तो ये ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पर इनपुट बाउंडेड था लेकिन आपका आउटपुट जो है वो बाउंडेड नहीं है। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मान लीजिए आपको yt कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, माइनस इन्फिनाइट टू टी एक्स टी डी टी। ओके, तो अब आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल। xt आपका इनपुट है, yt आपका आउटपुट है। ओके, x प्लस माइनस इन्फिनिटी आपकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो आपको चेक करना है कि क्या y प्लस माइनस इन्फिनिटी भी फाइनाइट वैल्यू होगी। अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे ना, तो आप देखिए अगर आप y इन्फिनिटी देखते हैं, मान लीजिए देखिए किसी एक पर भी y प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, किसी एक पर भी अगर एम्पलीट्यूड आपका इन्फिनिटी हो गया, आउटपुट अगर आपका इन्फिनिटी हो गया, तो वो बाउंडेड नहीं रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पर देखूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। आपको पता है xt कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, इंटू dt। तो देखिए किसी भी फाइनाइट वैल्यू का जब आप इन्फिनाइट तक इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए आप 1 का कर रहे हैं, तो 1 का इन्फिनाइट तक इंटीग्रेशन आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 1 अगर यहाँ होगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t में जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस माइनस इन्फिनिटी लोअर लिमिट, तो 2 इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो ये सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते थे। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो एक और अप्रोच है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन के बाद आंसर इन्फिनिटी होगा कि फाइनाइट होगा, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए तो आपको इतना तो पता है कि एक्स टी जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, xt जो बाउंडेड सिग्नल है आपका, उसकी जगह आप एक स्टैंडर्ड बाउंडेड सिग्नल अज्यूम कर लीजिए, और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड बाउंडेड सिग्नल जो आप अज्यूम कर सकते हैं वो है ut, जिससे आप फैमिलियर हैं। स्टेप सिग्नल आपका बाउंडेड सिग्नल है, तो आपको पता है xt बाउंडेड है या आपको मेथड में गिवन है, तो आपको चेक करना है क्या अब इस xt के लिए yt भी बाउंडेड होगा। तो आप देखिए जब आप xt का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज ut का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू t, तो ये होता है आपका रैम्प सिग्नल, और रैम्प सिग्नल हमें पता है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब ये रैम्प सिग्नल अनबाउंडेड होता है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, अगर आपको फर्स्ट तरीके से समझ में आता है तो आप उससे कर लीजिए, अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए कि y जो है वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर क्या होगा, तो आप क्या करिए, आपको ये तो पता है कि xt इज अ बाउंडेड सिग्नल, तो आप xt को ut अज्यूम कर लीजिए स्टेप, उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन या जो भी आपको yt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कर लीजिए, और जो भी आंसर आएगा आपका उसे देख लीजिए कि वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू कंटेन करता है। तो यहां पर जैसे हमारा आंसर आया था rt, जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी होता है, दैट मीन्स इट इज अ अनबाउंडेड सिग्नल। ओके,
तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम. ओके, तो ये हमारा होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमें सिस्टम पढ़ना है वो पढ़ना है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. ओके, तो ये क्या होता है हमारा, इसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पहले देखिए, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. इन्वर्टिबल सिस्टम मीन्स, सपोज करिए आप किसी सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं. ओके, इन्वर्टिबल की क्या मीनिंग है, आप किसी सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं. ओके, और अगर आपका आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए, तो आप कहते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम. और नॉन इन्वर्टिबल की क्या मीनिंग है आपकी, अगर मान लीजिए आप डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम को और आपका जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है डिफरेंट इनपुट्स के लिए, तो आप कहते हैं उसे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर एक सिस्टम है आपका, उसे आप इनपुट दे रहे हैं 10, तो आउटपुट क्या आएगा, 0. 10 का डिफरेंशिएशन 0 होता है. आप डिफरेंशिएटर सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं 100, आउटपुट क्या आएगा, 0. इनपुट दे रहे हैं 200, आउटपुट क्या आ रहा है, 0. तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट हमेशा आपका फिक्स आ रहा है 0 पर. तो जो आपका डिफरेंशिएटर है ना, ठीक है, डिफरेंशिएटर इज अ नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. क्लियर है अच्छे से, तो डिफरेंशिएटर जो है आपका वो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होता है. ओके, जिस तरीके से आप डिफरेंशिएटर बोलते हैं उसी तरीके से आप डिस्क्रीट में बोलते हैं सब्ट्रैक्टर. ओके, तो डिफरेंशिएटर और सब्ट्रैक्टर इज जनरली अ नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम. क्लियर है अच्छे से, उसी तरीके से जो आपका एडर होता है डिस्क्रीट में और आप कह सकते हैं इंटीग्रेटर कंटिन्यूअस में, इज जनरली इन्वर्टिबल सिस्टम. ओके, ये आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. इन्वर्टिबल सिस्टम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिफरेंट इनपुट दिए तो आउटपुट डिफरेंट आया. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया 5 किसी क्यूब सिस्टम को, तो आउटपुट क्या आएगा, 125, क्यूब करके दे देगा आपको आउटपुट. अब आपने इनपुट दिया -5, तो आउटपुट क्या आएगा, -125, ठीक है ना. तो आप अलग अलग इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट अलग अलग मिल रहा है. सेम वैसे अगर आप स्क्वायर सिस्टम को देखिए, आप इनपुट दीजिए 3, आउटपुट आएगा 9, आप इनपुट दीजिए -3, आउटपुट आएगा 9. तो स्क्वायर सिस्टम में चाहे आप इनपुट दें 3 चाहे दें -3, आउटपुट हमेशा आपका 9 आता है. मतलब दो अलग अलग इनपुट थे 3 और -3, आउटपुट आपका दोनों के लिए सेम आया. लेकिन क्यूब सिस्टम में 5 और -5, फिर दो अलग इनपुट थे लेकिन आउटपुट दोनों का अलग अलग आया. तो जो आपका स्क्वायर सिस्टम है इट इज अ नॉन इन्वर्टिबल, और क्यूब सिस्टम क्या है आपका, इन्वर्टिबल. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये जो एग्जांपल है इसे आप एज अ थ्योरी भी याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएटर और सब्ट्रैक्टर इज जनरली अ नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, एडर और इंटीग्रेटर इज जनरली अ इन्वर्टिबल सिस्टम. नाउ नेक्स्ट, अब आप देखिए अच्छे से इसे. मान लीजिए आपके पास कोई नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है, ठीक है, मैं यहां पर एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, इनवर्स, ठीक है. मान लीजिए आपके पास कोई नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए डिफरेंशिएटर है. अब मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएटर का आउटपुट 0 है, तो आप कैसे पता लगाएंगे इनपुट क्या है, क्योंकि इनपुट कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है. अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएटर का आउटपुट 0 है, तो आप बोल सकते हैं क्या इनपुट 100% आप श्योर हैं कि इनपुट आपका 10 है, या बोल सकते हैं इनपुट आपका 5 ही था? नहीं, इनपुट कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना. हर एक वैल्यू का, हर एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो आप श्योरिटी से नहीं बता सकते कि अगर डिफरेंशिएटर का आउटपुट 0 है तो एग्जैक्ट इनपुट क्या था. दैट मींस किसी भी नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम का इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो इनवर्स टॉपिक की अगर बात करूं तो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन इन्वर्टिबल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है कि इन्वर्टिबल में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आता है, ठीक है. जैसे मैं बोलूं किसी क्यूबिक सिस्टम का, किसी क्यूब का, क्यूब वाले सिस्टम का
एक सिस्टम है जिसका काम क्यूब करना है, पावर 3 करना है, उसका आउटपुट है -27, तो आप श्योरिटी से बता देंगे कि इनपुट जो था आपका -3 था, क्योंकि -3 का क्यूब ही -27 होता है, उसका और कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए इनवर्स आपका पॉसिबल होगा ऑलवेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 6 इज द इन्वर्टिबल सिस्टम, डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द सिस्टम। तो इनवर्स की मीनिंग आप क्या समझे हैं, इनवर्स की मीनिंग ये है कि आपको आउटपुट गिवन है इनपुट के टर्म में, अब आपको इनपुट निकालना है आउटपुट के टर्म में, ठीक है, मतलब आपको एक्स टी निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, अगर दोनों साइड मैं टी के साथ -6 कर दूं तो ये हो जाएगा वाई टी -6 और ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 6 -6, तो आपका एक्स टी कितना हो जाएगा वाई टी -6, ओके। तो इस तरीके से आपने इनवर्स अचीव कर लिया, आपने एक्स टी की वैल्यू निकाल ली यहां पर, ओके। नाउ एक और एग्जांपल आप देखिए, जहां पर आपको वाई एन गिवन है सिग्मा के इक्वल टू -∞ to n xk, ओके। और यहां पर आपको कहा गया है कि वाई एन जो है इस आउटपुट एंड एक्स एन जो है इस इनपुट फॉर दैट सिस्टम। नाउ डिटरमाइन इनवर्स ऑफ द सिस्टम, इनवर्स अगर आपको निकालना है दैट मीन्स आपको एक्स एन निकालना है, आपको वाई एन दिया हुआ है, तो जो हमें गिवन है हम उसी का यूज कर सकते हैं। तो वाई एन गिवन है, आपको एक्स एन चाहिए, तो सबसे पहले आप एक्स एन का टर्म क्रिएट करने की कोशिश करिए इस वाई एन के इक्वेशन में, तब आप बहुत इजीली बता पाएंगे एक्स एन क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये जो समेशन है आपका, ये आपका जा रहा है फ्रॉम -∞ to n, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं -∞ to n-1 xk plus xn, ओके, अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर से आपका लिमिट जो है वो -∞ to क्या हो जाएगी, आपकी n हो जाएगी। बेसिकली जो आपने n तक समेशन था उसे आपने n-1 तक कर लिया और n वाले समेशन को आपने प्लस करके लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, आपको xn चाहिए yn के टर्म में। तो इसे देखिए आप ध्यान से, ये जो आपका टर्म है, ये टर्म को अगर आप क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्वेश्चन में देखिए यहां पर yn था और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही जगह n है, वो है अपर लिमिट में। तो जब यहां पर yn था तो अपर लिमिट n थी, जब यहां पर अपर लिमिट n-1 है तो इसका मतलब y भी क्या हो जाएगा n-1, मतलब अगर आप क्वेश्चन में n की जगह n-1 पुट करें तो ये n-1 हो जाएगा, अपर लिमिट भी क्या हो जाएगी n-1। दैट मींस ये जो टर्म है सर्कल में ये हो जाएगा yn-1 और xn को आप एज इट इज लिख दीजिए। तो यहां से जो आपका xn है वो क्या आ जाएगा yn-yn-1। तो देख सकते हैं आप, आपका यहां से एक्सन निकल गया। और वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हिंट थी आपके लिए, जो वाई एन था वो समेशन ऑफ एक्स था, ठीक है ना, आउटपुट इज द समेशन ऑफ इनपुट, तो ऑब्वियस सी बात है इनपुट क्या होगा, आउटपुट का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है, एडर का या एडिंग का आपका जो अपोजिट है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका फिनिश होता है यहां पर टॉपिक इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने दो टाइप के सिस्टम एनालिसिस किए हैं, एक हमने किया इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम और एक हमने किया स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट के दो सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, उसमें से हम सिर्फ लीनियर सिस्टम को चुन लेंगे, और हमने पढ़ा था टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम, उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को कंसीडर करेंगे। तो दोनों सिस्टम को मिला के बन जाता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड LTI सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिस्टम के एनालिसिस में, ओके। तो यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।